गुड इवनिंग बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर हम अपने बायोकेम चैनल के साथ लेकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हाजिर हुआ हूं और हमारा आज टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का मोलरिटी, जिसको हम मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? मोलरता। मोलरता कहते हैं। तो मोलरता क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और आर मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर इसका हिंदी वर्जन में अगर समझना चाहे या हिंदी वर्जन छात्रों के लिए, तो क्या होगा? एक लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। एक लीटर विलयन में विलीन विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलयन की मोलरता का जो सूत्र होगा, मोलरता बराबर क्या होगा? पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार और कुल का अपान विलयन का आयतन। वो भी किसमें रहेगा? लीटर में। ठीक। अगर आपका आयतन मिलीलीटर में होगा तो यहां पर इंटू 1000 हो जाएगा। ठीक। तो मोलरता क्या होता है? पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार बटे कुल का जो आयतन होगा वो किसमें होगा? लीटर में होगा। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई एक बीकर है और वो जो लिया है, इसमें कितना लिया आपने? 1 लीटर लिया है सॉल्वेंट अर्थात पानी। और मान लीजिए इसमें कुछ अमाउंट में या थोड़े अमाउंट में सॉल्यूट घोल रहे हैं, अर्थात सॉल्यूट में मान लीजिए नमक ले लीजिए नमक। तो जो नमक इसमें घोल रहे हैं पानी में, वह क्या होगा? सॉल्यूट विलेय होगा और जो पानी है वह सॉल्वेंट अर्थात विलायक होगा। तो अब यहां पर इसके न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, दो न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, एक प्रश्न नंबर 1 और एक प्रश्न नंबर 2। चलिए एक एक को हल करते हैं। देखिए लिखा है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि सूत्र लिखा है हमारा मोलरता बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो इसके अनुसार पदार्थ का जो भार है, आप मोलरता को मान लीजिए कैपिटल एम से लिखते हैं, इसका पदार्थ का भार मान लीजिए क्या है? स्मॉल डब्लू। अगर विलेय है तो स्मॉल डब्लू अपान पदार्थ का अणुभार क्या होगा? ये डब्लू और एम में ना लिखे, डायरेक्ट हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो एम बराबर हो जाएगा, पदार्थ का भार कितना दिया है? 20.6 बटे पदार्थ का अणुभार। तो सोडियम ब्रोमाइड है तो सोडियम ब्रोमाइड Na का जो होता है 23 होता है अणुभार, और Br का अणुभार ब्रोमाइड का होता है 80। सोडियम का 23 और ब्रोमाइड का कितना? 80। इसको जोड़ दीजिए, इसका अणुभार 103 आ जाएगा सोडियम ब्रोमाइड का। तो बटे कितना हो जाएगा? 103। और कुल का बटे क्या होगा? कुल का बटे आयतन लीटर में।
जबकि मिली में दिया, अगर हम मिली में रखेंगे तो यहां पर इंटू 1000 करना होगा। चलिए हम इसको लीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 500 मिली दिया है, 500 मिली को 1000 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर आ जाएगा, ये 0.5 लीटर। अब ये कितना हो जाएगा? ये 0.2 हो जाएगा, 0.2/0.5 ये हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू, ये जाएगा नहीं तो आ जाएगा पॉइंट, और ये पॉइंट आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 और 5 24, 0.4 कितना आ जाएगा? 0.4 मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगा? मोल प्रति लीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? मोल प्रति लीटर। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, मोलकता बराबर पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का भार दिया है 20.6 ग्राम, सोडियम ब्रोमाइड का अणुभार निकालेंगे तो Na का 23 होगा, Br का 80 होगा, जोड़ करके 103 हो जाएगा। 103 बटे आयतन लीटर में लेंगे तो लीटर में बदलने के लिए 500 मिली दिया था, उसको 1000 से भाग दे देंगे तो मिली किस में बदल जाएगा? लीटर में बदल जाएगा, ये 0.5 लीटर आ जाएगा। अपान क्या लिखा? 0.5। जब इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा अपान 0.5, अपान 0.5। ये दशमलव को हटाने के लिए इस दशमलव को हटा दिया हमने और इस दशमलव को हटा दिया, ये 2/5 आया। और जब 5 से इसको भाग देंगे नहीं हो जाएगा, तो आप दशमलव लगाएंगे तो यहां 0 बढ़ा देंगे, 20 हो जाएगा, 5/20 मोल प्रति लीटर इसकी यूनिट हो गई मोलरता की। ये आंसर आ गया। अब आइए इस पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 मिली जल में घोला गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए बात वही है, हमें सबकी मोलरता निकालना है। अगर पदार्थ का भार दिया है तो अणुभार हमको पता हो जाएगा पदार्थ के नाम से, तो उसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे। अगर ml में दिया है तो लीटर में चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर ml में ही निकालना है तो उसको आप क्या करेंगे? इंटू 1000, वहां पर उसके बराबर में इंटू 1000 करेंगे, बराबर में। तो यहां पर देखिए पदार्थ का भार कितना है, मोलरता बराबर पदार्थ का भार कितना दिया है? 5.85 और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का जो अणुभार होता है Na का कितना होता है? 23 होता है, और Cl का होता है 35.5। जोड़ दीजिए, ये 5 × 3 = 8 हो जाएगा, 3 × 2 = 5 58.5 हो जाएगा। NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा? 58.5 हो जाएगा। ठीक, अब ये कुल 58.5 हो गया बटे आयतन लीटर में, 250 मिली है तो उसको आप लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दो इसको, 1000 से जब भाग दे देंगे तो ये नहीं जाएगा, आप दशमलव बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? दशमलव बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2500, तो ये 2 और 5 इसका जो आंसर आएगा 0.25। कितना आएगा? 0.25 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब कैंसिल करेंगे, ये देखिए ये कितना, ये यहां पर दशमलव हटा देंगे दोनों का तो यहां कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 और 0.25 और 1/10 क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा बटे कितना? 0.25। और ये कैंसिल करना चाहेंगे तो ये क्या बढ़ाएंगे? 10 हो जाएगा, और ये नहीं जाएगा तो फिर क्या बढ़ाएंगे? दशमलव, और ये 100 हो जाएगा, 25 × 100, और ये इसकी जो यूनिट हो जाएगी मोल प्रति लीटर। क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह न्यूमेरिकल बहुत आसान आते हैं मोलरता के, नॉर्मलता के, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आप उसकी यूनिट को ध्यान रखिए और उसके अणुभार को ध्यान रखिए,
बस आयतन तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी सिंपल में, इजी में, मैं आयतन दिया रहता है लीटर में या मिलीलीटर में या जो भी कुछ दिया है। तो देखिए बस केवल अगर आप मिलीलीटर में लेते हैं तो 1000 का ध्यान रखेंगे, अगर मिलीलीटर में नहीं रखते हैं तो पहले ही 1000 से भाग करके तब रखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए हमारे बायोकैम्प चैनल के साथ। नया साल बस शुरू ही होने वाला है और कुछ ही क्षणों में वो आपके नसों में, आपके उद्देश्यों में बहुत तेजी से दौड़ेगा, इसलिए आप भी थोड़ा मेहनत करिए हमारे बायोकैम्प चैनल के साथ। ओके, थैंक यू।